इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आप इस वीडियो की वजह से शर्मिंदा हुए हैं तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है। Hey legends, welcome back। सोशल डिस्टेंसिंग से भरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऑटो में छुपा था मनुष्य सोचा था बच जाएगा, पर उसे क्या पता था डंडा उड़ता उड़ता आएगा। कुछ तो बचा लेंगे जान अपनी, और कोई लुंगी तक नहीं संभाल पाएगा। एक साल में वायरल इन वीडियो पर आपने काफी ठहाके लगाए हैं, तो उम्मीद है आपको फिर से खूब मजा आएगा। साला खुद तो मरेगा, दूसरों को भी मारेगा। इस बंदे ने एक्टिंग में नेहा कक्कड़ को फेल कर दिया है। अरे साले सिर सपाट डॉक्टर ने निकला। अरे सर डॉक्टर की जा रहा हूँ, सर डॉक्टर की। पुलिस वाले ने डंडा मारा, लेकिन इस बंदे ने डंडा अपने पिछवाड़े में फंसा लिया। भाई साहब बड़ी मजबूत पकड़ है इसकी। ये वो लोग है जिनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। साला डंडा लेके भाग गया, ऐसी जगह डंडा मारूंगा पुश्ते याद करेगी। अरे पकड़ो साले, लॉकअप में डालो इनको, पकड़ो पकड़ो। अरे गोदी में उठाओ इसको, ऐसे नहीं समझेंगे। सर सर गलती होगी सर, सर मैं तो ये देखने निकला था कि और लोग निकल रहे नहीं निकल रहे। सर 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 मेरी गलती नहीं, सर दुकान पे जा रहा, सर मेडिकल की दुकान पे, सर दवाई लेने। सर सर जाने दो सर। अरे मेडिकल पे तो हम पहुंचाएंगे देर को। और भाई क्या खा रहा विमल? हाँ सर। थप्पड़ भी खा। आजा भाई तू भी दुकान वाले। अरे आजा बाहर, पैसा वसूल कराता हूँ तेरा। आज आज साड़े मास्क है तेरा, मास्क है दुकान वाले। आजा साड़ा, लॉकडाउन का पालन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, थाने में डालो इनको, सब सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे। भैया आदमी दो पुलिस वाले तीन, बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं है, क्योंकि तीनों ने जो जम के थप्पड़ मारे हैं। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये शराबी बड़ी हिम्मत वाला है, और मैं ये नहीं जानता कि पुलिस वाले इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे। पुलिस वाला मैं तोड़ दूंगा तुम्हारी गाड़ी, दारू बंद करवा दी, ठेके बंद करवा दिए, जुआ बंद करा दिए, सट्टे बंद करा दिए, सारी दुकानें बंद करा दी, कर्जे का सामान बंद करा दिया, कैसे पैसे कमाऊंगा मैं तुम्हारी गाड़ी फोड़ दूँ, गाड़ी के आगे आ जाऊँगा, मर जाऊँ, सीधा तोड़ दूँ तुम्हारी गाड़ी। अरे यार रुक जाओ, अरे रुक रुक, आप इधर खड़ा हो जाऊँगा भाई, इधर रुक जाऊँगा मैं, नहीं जा रहे दूँ मैं, नहीं जाने दो। हटना भी मेरे पूरा मोदी जी से बात करनी है, मोदी जी से बात, मोदी जी मेरी बात सुनेंगे। आजा बताते हैं, मोदी जी क्या होता लॉकडाउन? मैं लॉकडाउन का पालन भी क्या नहीं करूंगा मोदी जी। मोदी जी मैं इधर उधर घूमता हूँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जवान दुकान के शटर के नीचे से डंडा हटा रहे थे, और शटर सर पर गिर गया। मुझे तो लगता है ना कि यार ये दुकान वाली की चाल है कि भैया डंडा ऐसा लगाऊंगा तो सर पे गिरेगा। वैसे आप सब पुलिस वालों को देख रहे थे, लेकिन मैं इसे देख रहा था। सारा लॉकडाउन में सड़क पे घूम रहा, शर्म नहीं आती तेरे को? पुलिस वाले मुझे शर्म आती है, रुक जा मुझे डंडा कैसे मारा, पत्थर खा गया, रुक जा ये पगड़ छोड़ूंगा नहीं। वैसे लॉकडाउन में शादी करने वालों का अलग ही फायदा था, मतलब कम जनसंख्या में पैसे भी बच गए, शादी भी हो गई और लॉकडाउन भी लग गया। लेकिन हर बार लुका छुपी में शादी संपन्न हो जाए आवश्यक तो नहीं। तो यहाँ पर एक बारात का स्वागत किया जा रहा था, लेकिन पुलिस वालों का ध्यान पड़ गया, और पुलिस वालों ने इन बारातियों का जो स्वागत किया है ना भाई साहब, नागिन डांस से लेकर तक धिन्ना तक धिन्ना तक इनकी पीठ पर बूटी कर दी डंडों से। सब बाराती यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, सीधे घर सीधे घर। तो यार आज की वीडियो में इतना ही मजा आया, तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और यार ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा तो बस जुड़े रहो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। हाँ मुझे पता है मजा ही आता होगा।